गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेज जैसे द हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से आईएएस या पीसीएस में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ एमसीक्यू के रूप में डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 8वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, कावासाकी रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो जानकारियां दी गई हैं, आपको इनमें से सही जानकारी की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 3 के विज्ञान और विशेष रूप से बीमारियों से जोड़कर देख सकते हैं। पहला कथन कहता है, यह सिंड्रोम है जो केवल 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, ये गलत है क्योंकि कावासाकी एक ऐसा रोग है जो सभी लोगों को हो सकता है, लेकिन यह मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। यहाँ पर केवल शब्द लिखा गया है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कहता है, यह एक वायरल संक्रमण है जो एक जापानी मूल के वायरस टोमीसाकू कावासाकी से इसका नाम पड़ा है। फ्रेंड्स, ये गलत है क्योंकि कावासाकी रोग किस वायरस के वजह से हुआ है इसकी पहचान वर्तमान में नहीं की जा सकी है। यानी कि यहाँ जो नाम दिया गया है टोमीसाकू कावासाकी, ये गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इनको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कावासाकी रोग एक अज्ञात कारणों से निर्मित होने वाला बीमारी है जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। हालांकि केवल 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होता है ऐसा नहीं है, यह किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को यह बीमारी होती है तो उस व्यक्ति को 5 दिनों तक लगातार तेज बुखार रहता है और उस दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी दवा उस इंसान में काम नहीं करता है। इस बीमारी के कुछ लक्षणों को दुर्लभ बताया गया है जो सामान्यतः नहीं देखे जाते। इसी कारण से WHO के द्वारा इस बीमारी को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कहा गया है, क्योंकि इसके बारे में वर्तमान में सही जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं। जब किसी व्यक्ति को यह संक्रमण होता है तो उसके जो रक्त वाहिकाएँ हैं, जहाँ से होकर रक्त गुजरता है, वो सूजन में पड़ जाती हैं, वहाँ पर सूजन आ जाता है। यदि हम बात करें बच्चों का, तो जब बच्चों को ये बीमारी होती है तो उनके आंखें लाल हो जाती है, उनके शरीर में चकते निकल आते हैं जो लाल रंग के होते हैं, उनकी होंठ और जीभ दोनों लाल हो जाता है, जिनकी वजह से उनके जीभ को स्ट्रॉबेरी जीभ भी कहा जाता है। इससे एक और लक्षण ये देखने को मिलता है कि जब व्यक्ति संक्रमित होता है तो इसकी वजह से उस व्यक्ति के हृदय के कोरोनरी भाग को प्रभावित कर सकता है और ये उस व्यक्ति की मौत का कारण भी बन सकता है। ये बीमारी किस वजह से होता है, इसका वायरस क्या है, इसके बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति को कोई खतरनाक वायरस का प्रकोप होता है या फिर सामना करना पड़ता है तो उसके शरीर में एक प्रकार की प्रतिरक्षी प्रणाली का निर्माण होता है और उसी वजह से उस बीमारी में उस व्यक्ति में उस बीमारी का, मतलब कावासाकी नामक बीमारी का निर्माण होता है। तो बस अभी तक वर्तमान में यही जानकारी है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के दावों पर विवाद निम्नलिखित में से किन देशों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 देशों के समूह दिए गए हैं, आपको बताना है कि यह वन्यजीव अभयारण्य का विवाद इनमें से किन देशों के बीच है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के भारत और उसके पड़ोसी संबंध से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें दिए गए ऑप्शनों का, तो चीन भूटान, भारत नेपाल, नेपाल भूटान और चीन नेपाल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लीजिए, चीन और भूटान है। सबसे ज़्यादा तो अभी चीन ही छटपटा रहा है, जिसे देखता है उसे कहता है ये मेरा है। तो ये जो क्षेत्र है,
सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य ये वर्तमान में भूटान में है। इस क्षेत्र पर चीन के द्वारा अपनी दावेदारी पेश की जाती है। और ये वजह क्यों बना, विवाद का वजह क्यों बना, तो फ्रेंड्स GEF यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य में कुछ निर्माण कार्य करने के लिए, कुछ विकास से संबंधित गतिविधियां करने के लिए भूटान की सरकार को कुछ फंड दिए जा रहे थे। चीन ने उस पर अड़ंगा लगाया, उसे रोकने के लिए कहा। चीन का कहना था कि यह विवादित क्षेत्र है, लेकिन चीन के द्वारा इसी क्षेत्र में 2018-19 में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए परियोजनाएं संचालित की जाती हैं। मतलब अगर वो कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय संस्थान कर रही है या फिर संबंधित देश कर रहा है तो इससे दिक्कत है। तो ये आप याद रखेंगे। आपसे यदि पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल द हिंदू के अंतर्गत आया था जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये भूटान में यहाँ पर है, इसे आप देख सकते हैं। ऊपर में चीन बच्चों की तरह हरकत करने वाला आप देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन जानकारियां दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करनी है। आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जोड़कर देख सकते हैं। पहला कथन कहता है, यह संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। फ्रेंड्स ये जानकारी बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है वो पूरे विश्व में यौन और प्रजनन से संबंधित मामलों की देखरेख करता है। दूसरा कथन कहता है, यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है और इसकी कार्यकारी समिति का हिस्सा है। ये जानकारी भी बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन ने एक डेवलपमेंट समूह बनाया है जिसका लक्ष्य है कि पूरे विश्व में SDG के 17 लक्ष्यों को समय से प्राप्त कर लिया जाए, 2030 तक इसे प्राप्त कर लिया जाए। इसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को भी इसका हिस्सा बनाया गया है जो कि यौन और प्रजनन के क्षेत्र में कार्य करता है, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या इत्यादि के क्षेत्र में। उसकी कार्यकारी समिति का भी ये सदस्य है, क्योंकि जो कार्य निर्मित किए गए हैं कि कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस दिशा में कार्य किया जाएगा, उसे लागू करवाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन के राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र के बजट द्वारा समर्थित है। यह गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो अपना कार्यक्रम चलाता है उसको संचालित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो बजट बनाया जाता है कि किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, पैसा कहां से आएगा, इसके अंतर्गत इस संगठन को पैसा आवंटित नहीं किया जाता है। तो फिर इसके पास इसके कार्यों को संचालित करने के लिए पैसा आता कहां से है? जो निजी संस्थानें हैं, जो NGO हैं, या फिर बहुत सारे देशों के संस्थानें हैं, या फिर बहुत सारे देशों के ऐसे सरकारें हैं जिनके द्वारा इनको पैसा दिया जाता है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत बजट बनाया जाता है अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, उसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को पैसा नहीं दिया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। उससे आगे क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद अपना जनादेश स्थापित करता है। ये सही है, इसी के दिशा निर्देशों के अंतर्गत, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही इसे स्थापित किया गया था। आपको यहाँ पर सही पहचान करने के लिए कहा गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत था आपने देख लिया। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का, तो फ्रेंड्स ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है जो मुख्य रूप से यौन और प्रजनन के क्षेत्र में, आप कहेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है, पूरे विश्व में कार्य करता है। इसको स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की थी,
जब स्टार्टिंग में इसे स्थापित किया गया 1967 में, तो मात्र एक ट्रस्ट के रूप में, मात्र एक संस्थान के रूप में ये कार्य कर रहा था, जिसने 1967 यानी कि ठीक दो साल के बाद ये अपना कार्य संचालित करना शुरू करता है। 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नाम से इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और ये पूरे विश्व में जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करता रहता है। आप जानते हैं कि हमारे विश्व को बेहतर बनाने के लिए SDG के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उसमें जो लक्ष्य संख्या 3 है, उसमें स्वास्थ्य के बारे में लिखा गया है कि 2030 तक विश्व में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था हो ताकि लोगों को सुलभ और आसान पहुंच हो सके। जो SDG 4 है वो शिक्षा के बारे में है और लैंगिक समानता के बारे में SDG 5 के अंतर्गत लिखा गया है, यानी कि इनको इनका लक्ष्य दिया गया है कि आपको ये कार्य करना है, यानी कि निश्चित रूप से ये SDG का सदस्य होगा तभी तो कार्य करेगा, कार्यकारी सदस्य होगा तभी तो लागू करवाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जो पैसे इसके अंतर्गत आते हैं वो बहुत सारी सरकारों, अंतर सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्र के द्वारा या फिर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से भी इसमें दान देता है तो उसके माध्यम से इसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन जानकारियां दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करनी है। किसके बारे में? DAC के बारे में। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 3 के रक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। पहला कथन कहता है, यह रक्षा खरीद पर सरकार का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। ये बिल्कुल सही है, सरकार के द्वारा जो बजट आवंटित किए जाते हैं बहुत सारे रक्षा से संबंधित इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, कौन से सामानों को कब तक खरीदा जाएगा, कहां से खरीदा जाएगा, इन सारे चीजों पर निर्णय लेने का अधिकार डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को ही दिया गया है। तो ये पहला कथन सही हो जाता है। दूसरा कथन कहता है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री करते हैं। ये भी सही है, क्योंकि जब भी इसकी मीटिंग होती है, जब भी इसकी बैठक होती है तो रक्षा मंत्री के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसमें हमारे भारतीय सेना के तीनों जो निकाय हैं उन तीनों निकायों के अध्यक्ष, साथ ही बहुत सारे ऐसे विशेष विभाग हैं जो मंत्रालय हैं उनके सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। उनके द्वारा बहुत सारे सलाह दिए जाते हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद इन निर्णयों को लिया जाता है। न्यूज़ में क्यों था कि अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही चीन के साथ विवाद अपनी चरम पर पहुंचने लगा था, उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा विश्व के अलग अलग हिस्सों से कुछ दक्ष और शक्तिशाली संयंत्रों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उनको फाइनलाइज भी किया गया और इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा कथन क्या कहता है कि 2009 में मुंबई हमले के बाद इसे सुरक्षा के हिस्सों के रूप में स्थापित किया गया था। गलत है। 2001 में जब कारगिल का मामला आया था तो उस समय देखा गया कि भारत के पास में कुछ दक्ष इक्विपमेंट है ही नहीं। जो है उससे तो हम पाकिस्तान को धूल चटा सकते थे, लेकिन फिर भी हमारे पास में जो तुलनात्मक रूप से जितना होना चाहिए उतना नहीं था। तो इस वजह से हम लोगों, मतलब इस चीज की को कमी को देखा गया कि हम लोग जल्दी जल्दी खरीदें। उस समय बहुत सारे अड़ंगा डाले गए विपक्ष के द्वारा या फिर जो अलग अलग निकाय थी उनके द्वारा, कहां से खरीदे, कैसे खरीदे, तो उस बात पर विचार विमर्श करने के लिए कोई निकाय नहीं था। तो उसी के बाद यानी कि 2001 के बाद इस बात को महसूस किया गया था कि एक ऐसा निकाय, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो रक्षा खरीद के क्षेत्र में कार्य करे। तो उसी के बाद यानी कि 2001 के बाद रक्षा अधिग्रहण परिषद का निर्माण किया गया था। तो आप याद रखेंगे, तीसरा गलत हो जाता है, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा क्योंकि आपको सही पूछा गया था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। क्यों न्यूज में आया था आप इसे जान चुके हैं। फ्रेंड्स, एक बात आपको बस ये जानना है कि रक्षा अधिग्रहण का उद्देश्य आवंटित बजट संसाधनों का बेहतर उपयोग करके निर्धारित क्षमता और निर्धारित समय सीमा के अनुसार सशस्त्र बलों की अनुमोदित आवश्यकताओं को शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने के लिए इसे गठित किया गया था। इस लाइन को आपको याद रखना है, ये आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आएगा। कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं फ्रेंड्स, आप इनको देख लें।
इसीलिए हमने पांचवा एमसीक्यू आज अटैच नहीं किया, बाकी हम लोग कल कर देंगे। लेकिन आप कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं उनको देखें। क्या कहता है आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज, आपको पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत भारत में, भारत के या फिर विश्व में भारत के कुछ ऐसे ऐप हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो बेहतर तरीके से अपनी मार्केट बना चुके हैं, उन एप्लीकेशन को पहचान करना और उसे वैश्विक लेवल का बनाना, बेहतर बनाना, इसके लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। किसके द्वारा इसे शुरू करने के लिए कहा गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके अंतर्गत किया गया था? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ही किया गया था। मतलब आपने देखा कि चाइना के बहुत सारे 59 ऐप्स को बंद कर दिया गया, तो उसके बाद में कुछ जरूरतें हुई, जैसे कि जो टिकटॉक था सबसे ज्यादा तो यही चर्चा में थी, टिकटॉक था उसको बंद कर दिया गया और उसके प्लेस में अल्टरनेटिव इंडिया का क्या दिया गया? चिंगारी। हालांकि जैसे ही इसे प्राथमिकता मिलने लगी ये हैंग कर गया और ये इसको मतलब दूसरे के द्वारा चुरा भी लिया गया। अब कौन किया है, किसने किया है, ये तो देखने वाली बात होगी जब जांच होगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो कुछ ऐसे ऐप हैं उनको पहचान करना जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बना चुके हैं, उनके लिए इस कार्यक्रम को, इस चैलेंज को शुरू किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत टेक कम्युनिटी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया कि आप इस दिशा में कार्य कीजिए। इसके अंतर्गत दो चरणों में कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। सबसे पहले कुछ ऐप हैं जो अभी हैं उनको प्रचारित करना और साथ ही कुछ नए ऐप बनाना, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अभी बहुत कुछ होने वाला है, भारत आत्मनिर्भर निश्चित रूप से बनेगा, हमारे पास बहुत क्षमता है। हमारे डिस्कशन का छठा जो टॉपिक है मिसलिनियस के रूप में, वो DRDO अस्पताल के बारे में है। आपको ये पूछा जा सकता है कि इसे किन किन संस्थानों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, या फिर DRDO अस्पताल कहाँ है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो यदि आपको पूछा जाए कहाँ है, तो आप कहेंगे कि ये दिल्ली में है। किस किस ने मिलकर बनाया है? तो इसे टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर DRDO ने निर्मित किया है। इसमें 1000 बेड है जिसमें से 250 ICU है, इसे आप याद रखेंगे। इसे 12 दिन में रिकॉर्ड 12 दिन में, भारत में इससे पहले ऐसा नहीं किया गया है। हालांकि 7 से 8 दिनों में चाइना ने ऐसे एक अच्छा खासा हॉस्पिटल बनाकर दिखाया था, तो भारत ने अभी तक 12 दिनों में रिकॉर्ड एक अस्पताल को बनाकर खड़ा कर दिया है जो 1000 बेड का है। इसे गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और बहुत सारे सशस्त्र बल और टाटा ट्रस्ट, इन चारों ने मिलकर कार्य किया। जो मेन संस्थान आपको याद रखना है, टाटा ट्रस्ट और DRDO, इन्होंने मुख्य रूप से इसे निर्मित करने में कार्य किया, तो इसे आपको याद रखना है। हमारे डिस्कशन का 7वां टॉपिक क्या है, ये मिसलिनियस के रूप में है। आपने ये देखा कि चाइना के कुछ ऐप को बंद कर दिया गया, UC ब्राउजर उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण था। तो सरकार ने वर्तमान में 40 ऐसे वेबसाइट को भी बंद करने के लिए कहा गया है जो सिख फॉर जस्टिस से संबंधित है। ये कहां से जुड़े हुए हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA से जुड़े हुए हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये पूछा जाए कि किसी भी साइट को या फिर ऐप को बंद करने के लिए कौन आदेश जारी करता है, तो आप याद रखेंगे गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जब तक आदेश जारी नहीं करेगा तब तक किसी भी ऐप या फिर एप्लीकेशन को या फिर किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें वेबसाइट का, तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे कार्य किया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अमेरिका में स्थित ये जो थी साइट थी वो भारत के सिखों को भड़काने का कार्य कर रही थी, ऐसा गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया, जिसकी वजह से भारत में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती थी, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का जो अगला टॉपिक है वो क्या कहता है, नेट जीरो कार्यक्रम या फिर नेट जीरो क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि 2030 तक रेलवे ने कहा है कि हम जो बिजली का उपयोग करते हैं उनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्सर्जित बिजली का उपयोग करेंगे, ऐसे रेलवे मंत्रालय ने कहा है। तो आपको क्या याद रखना है कि नेट जीरो क्या है? ये कार्बन उत्सर्जन को कम करके रेलवे मंत्रालय के द्वारा अपने संचालित सभी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे शुरू किया गया है। कब तक?
2030 तक, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कहा गया रेलवे मंत्रालय के द्वारा कि जितने भी खाली पड़े भूमि हैं या फिर जितने भी रेलवे मंत्रालय या फिर रेलवे विभाग के जितने भी बिल्डिंग हैं उन सब में सौर संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा और उनसे इतना बिजली उत्पादित किया जाएगा कि उसका उपयोग बिजली रेलवे को संचालित करने के लिए जितना भी बिजली की आवश्यकता होती है उसको पूरा किया जा सके। काफ़ी सकारात्मक कदम है, यदि पूरा होता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला जो है वो उद्योग सेतु के बारे में है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि उद्योग सेतु किसके किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आसान है, उम्मीद कम है कि पूछा जाएगा उद्योग से जुड़ा हुआ है, एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। आपको ये पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो आप याद रखेंगे CIA यानी कि कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। न्यूज़ में क्यों आया था, तो फ्रेंड्स CIA के द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त डाटा की कमी है, तो भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आप क्या करेंगे कि डाटा जो आपने आरोग्य सेतु ऐप के अंतर्गत इकट्ठा कर रखा है उनमें से कुछ डाटा को आप हमें सेंड कर दीजिए, हमारे साथ साझा कर लीजिए, ताकि हम MSME जो कि इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी गहराई पर जाकर गिर गई है उसे ऊपर उठाने के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम या फिर मदद के जो भी कार्य हो सकें उनको निर्मित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए एक ऐप का निर्माण कर सकें। तो ये काफ़ी सकारात्मक बात थी। अब ये मांगा गया है, देखना है कि भारत सरकार के द्वारा इसे उपलब्ध कराया जाता है कि नहीं। पूरी उम्मीद है कि कराई जाएगी क्योंकि भारत सरकार के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जरूरी भी है। अगर इसको प्रमोट किया जाता है तो करोड़ों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे गाँवों में हो सकते हैं, छोटे छोटे शहरों में हो सकते हैं, वो अलग अलग बिखरे हुए हो सकते हैं, तो बड़े कोई संस्थान लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो काफ़ी बेहतर होगा। तो ये जो एप्लीकेशन होगा उसमें उद्योग का नाम, उसका टर्नओवर, कर्मचारियों की संख्या, उद्योग कहाँ लगा हुआ है, इन सब से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आप इसे याद रखेंगे उद्योग सेतु के बारे में। डिस्कशन का अंतिम जो है वो है जयराम रमेश कमेटी। आपसे ये पूछा जाएगा कि जयराम रमेश कमेटी जो साइंस और टेक्नोलॉजी से निर्मित था, या फिर ये पूछा जाएगा जयराम रमेश कमेटी किससे संबंधित था, तो आप कहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित था। जयराम रमेश जो थे वो इससे पूर्व जो कांग्रेस की सरकार थी वहां पर ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, अभी विपक्ष में भी हैं, तो उनकी अध्यक्षता में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर एक समिति का गठन किया था। क्या करने के लिए, COVID-19 और इसी प्रकार की महामारी जो भविष्य में हो सकती है उनसे कैसे निपटा जाए, उस दिशा में उनसे सलाह मांगने के लिए। और उन्होंने क्या किया, अच्छा खासा नेतृत्व प्रदान किया है वैज्ञानिकों के सहयोग से, कुछ विशेषज्ञों के सहयोग से, और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में मीटिंग आयोजित की थी और उम्मीद है कि कुछ ही समय में ये अपना रिपोर्ट पेश कर देंगे और भारत सरकार के द्वारा कुछ बेहतर रणनीति बनाई जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे जयराम रमेश कमेटी किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।